वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपका यूट्यूब के इस मुनफर चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर दी डबल बैलेंस मेथड। ये जो वर्ड है डबल बैलेंस मेथड, इसकी वजह से हमारे फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 36/2017 हमें डबल बैलेंस मेथड के मुताबिक प्रिपेयर करना है। याद रहे कि ये जो डबल बैलेंस मेथड है इसमें हम लोग कैश बुक की एरर के लिए कैश बुक अलग से बनाएंगे और पासबुक के एरर के लिए पासबुक अलग से बनाएंगे, लेकिन इनको रखेंगे एक ही तरतीब में। किस तरह से, पहले हम लोग इसका ज़रा फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, उसको प्लेस करते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ और अपने पास इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जी, ये हमारे पास है जी सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन नंबर 23 का है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23। कंपनी का नाम उसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप अ ट्रेडर चाहे लिख लीजिएगा, अ ट्रेडर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे उसने डेट मेंशन की है 30 जून 2017। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जब आप इसका फॉर्मेट बना रहे होंगे तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें दो बुक्स की डबल बैलेंस मेथड के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन करना है। मैंने मेनली तौर पर दो बुक्स यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। ये बुक कैश बुक के नाम से है और ये बुक मेरे पास पासबुक के नाम से है। जो गलतियाँ बिजनेसमैन की हैं वो मैं कैश बुक में लिख लूँगा, जो गलतियाँ बैंक स्टेटमेंट की हैं वो मैं पासबुक में लिख लूँगा। ये उसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, अगेन ये डेबिट, ये क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग इसका सीरियल नंबर लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर लिख देंगे। अच्छा जी बच्चों, हम लोग आते हैं इसके बैलेंस और इसकी प्लेसमेंट के हवाले से। इसको ज़रा इसके दो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, ये लिखा गया है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और ये डेबिट बैलेंस है। अच्छा, ये पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये नेचर इसकी मेंशन है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक एक एसेट है जिसमें अजाफा डेबिट साइड पर होता है, तो इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट साइड पर आता है, लेकिन वर्ड ओवरड्राफ्ट होने की वजह से ये क्रेडिट साइड का है। हम इन दो वैल्यूज को पहले प्लेस कर लेते हैं। ये बेसिकली दोनों ओवरड्राफ्ट हैं, पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट है और कैश बुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अच्छा जी, मैं इसके बैलेंसेस को प्लेस करवाता हूँ। ये ज़रा आप कुछ इस तरह से प्लेस कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है पासबुक का बैलेंस, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये आपके पास डेबिट साइड पे आएगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है 6000। सेकंड पॉइंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, सेम यहां पे भी आप लिख दीजिएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो क्रेडिट नेचर का है, लेकिन वो लिखा इन दो कॉलम की बेस के ऊपर जाएगा, पासबुक का इन दो कॉलम की बेस के ऊपर लिखा जाएगा। अच्छा जी बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन के बाकी हिस्से की तरफ। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास लिखा गया है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये हो गया अनकलेक्टेड चेक। चेक सारे बैंक रिकॉन्सिलेशन में आते हैं, चेक सारे पासबुक में आते हैं, कैश बुक में नहीं आते। सो ये जो अनकलेक्टेड चेक हैं ये क्रेडिट होंगे लेकिन बैंक रिकॉन्सिलेशन में। चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंकर फॉर द पेमेंट, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होंगे। सो हम पॉइंट नंबर 3
और फोर को प्लेस करते हैं, और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हमारे पास पासबुक के लिए प्लेस किए जाएंगे, ये पासबुक के एरर के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। आप कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट अन कलेक्टेड चेक्स, आपके पास इसकी अमाउंट है 1940, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, अन प्रेजेंटेड चेक्स, और अन प्रेजेंटेड चेक्स आपके पास हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, अमाउंट है 3200। अच्छा जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 की। द बैंकर चार्ज 60 फॉर कमीशन, बैंक ने 60 रुपीज कमीशन के तौर पर चार्ज किया। अच्छा, बैंक चार्ज कर चुका है, बैंक पासबुक में इसको लिख चुका है। बैंक जब चार्ज करता है तो वो कमी करता है, पासबुक वाला कमी करे तो डेबिट करता है, ये पासबुक में कमी डेबिट हो चुकी है, हमने इसको कैशबुक में लिखना है, और कैशबुक में कमी ऑब्वियसली तौर पर क्रेडिट साइड पे होगी। सो बैंक चार्जेस कैशबुक में प्लेस किया जाएगा और कैशबुक के क्रेडिट कॉलम में। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक RS 200, बैंक कलेक्ट कर चुका है, पासबुक वाला इजाफा लिख चुका है, पासबुक वाला इजाफा क्रेडिट कर चुका है, हमने इसको डेबिट साइड पर प्लेस करना है। सो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 कुछ इस तरह से प्लेस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है बैंक चार्जेस, यहां पे आप लिख दीजिएगा 5th पॉइंट बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, अमाउंट है 60। डिविडेंड कलेक्टेड येट नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट है आपके पास 200 की। अच्छा जी बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले कैशबुक के दोनों बैलेंसेस यूज करते हैं। 74 प्लस 60 7460। इस 7460 में से 200 को माइनस कर दें, 7260, 9200, 9200, इसका ये बैलेंस ग्रेटर था, इसको मैंने अपोजिट साइड पे लिखा, 9200 माइनस 1940 डिफरेंस किया तो 7260। अच्छा, ये कैशबुक का बैलेंस डेबिट साइड पे है तो ये उसके अपोजिट साइड पे है, ये डेबिट रहा, ये क्रेडिट रहा। अच्छा जी, इसको प्लेस कैसे करना है, कुछ इस तरह से यहां पे आप लिख दीजिएगा करेक्ट बैलेंस एज पर कैशबुक एंड पासबुक, ये कैशबुक का हो गया, ये पासबुक का, ये जो बैलेंस इधर होगा सेम वही इधर होगा, अगर ये डेबिट साइड पे है तो ये फिर क्रेडिट साइड पे आएगा, ये एक डबल बैलेंस कैशबुक की दुरुस्तगी की अलामत होगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24th क्वेश्चन जो है ये आप अपने पास लेबल कर लीजिएगा और सॉल्व भी खुद ही कीजिएगा, मैं इसको रीड आउट करवा देता हूं और इसके पॉइंट्स को नॉमिनेट कर देता हूं। ऑन 31st July 2017 अ ट्रेडर हैज एन ओवरड्राफ्ट RS 10,000 एज शोन बाय द बैंक बैलेंस बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, ये कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, जो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये आपका क्रेडिट कॉलम में आएगा, कैशबुक के क्रेडिट कॉलम में। एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 4920, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जो कि डेबिट कॉलम में आएगा। इट इज हाउएवर डिस्कवर्ड दैट चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिमेन अनक्रेडिटेड इन पासबुक, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये क्रेडिट हो जाएंगे और ये हमारे पास पासबुक में क्रेडिट होंगे 1000 के। सो अनदर चेक फॉर 2700 इज येट अनपेड, अनपेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये डेबिट होते हैं, पासबुक में होंगे। फर्दर द पासबुक इज डेबिटेड, जो पासबुक डेबिट हो गया ये कैशबुक में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर 20 बैंक चार्जेस, 100 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड RS 500 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द ट्रेडर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये डेबिट हुआ 20 से, 100 ओवरड्राफ्टेड से और 500 इंश्योरेंस से, ये तीनों पॉइंट कैशबुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे।
एंड क्रेडिटेड, और ये पासबुक में क्रेडिट हो चुका है तो हम डेबिट करेंगे 4000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर ऑफ द ट्रेडर, बट नन ऑफ दीज येट अपियर इन कैश बुक। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अभी यार सॉल्व कर देता हूँ, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। आप जरा देखिएगा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है और हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये क्योंकि डबल बैलेंस मेथड है और एज ऑन 31 जुलाई 2017, डबल बैलेंस मेथड है तो दो बुक्स को हमें लेके चलना पड़ेगा और फोर कॉलम को हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। इन दो कॉलम को हम सब डिवाइड कर देंगे, एक आपके पास कैश बुक है और एक आपके पास पासबुक है। ये एक डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और यहां पे हम सीरियल नंबर लिख देंगे, यहां पे हम लोग पर्टिकुलर लिख लेंगे। एक आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बल्कि आप इकट्ठा ही लिख दें ओवर ड्राफ्ट बैलेंसेस। अच्छा, जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख दें, जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो पासबुक की डेबिट साइड पे लिख दें। देन हमारे पास दो चेक्स हैं, एक अनक्रेडिटेड चेक्स है, यहां पे आप लिख दीजिएगा अनक्रेडिटेड चेक्स, और एक अनपेड या अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अनक्रेडिटेड चेक क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और अनप्रेजेंटेड या जो अनपेड चेक्स है ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा, उसकी अमाउंट है 2700। फिर कुछ पासबुक में तीन चीजें डेबिट हो चुकी हैं, जैसा कि आपके पास बैंक चार्जेस हैं, जैसा कि आपके पास बैंक चार्जेस के साथ साथ जो पॉइंट है इंश्योरेंस का, आउटस्टैंडिंग का, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का और इंश्योरेंस का, ये तीनों पॉइंट क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे 20, 100 एंड 500। अच्छा, एक पॉइंट है जो पहले से क्रेडिट हो चुका है, उसको अभी आपने डेबिट कर देना है, और वो है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, अमाउंट है 4000। अच्छा जी बच्चों, इसके टोटल की तरफ आते हैं, पहले हम कैश बुक का टोटल कर लेते हैं 10,020, 100, 500, 10,620, 10,620 माइनस 4000, तो अमाउंट आ जाती है 6620। अच्छा, ये इसके अपोजिट साइड पे आएगा, बैलेंस यही आना चाहिए 1920 प्लस 2700 7620 माइनस 1000 6620, और यहां पे आप लिख दीजिएगा करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ले स्टूडेंट, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड 23। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।